नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या पंचायत चुनाव में कैरेक्टर सर्टिफिकेट अनिवार्य है या नहीं। पंचायत चुनाव के एक महीने देरी से आयोजन होने की खबर के बाद अब एक और बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है, जिसके तहत अब चुनाव आयोग की तरफ से पंचायत चुनाव में कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने की अनिवार्यता को लेकर सवाल उठाया गया था। इतना ही नहीं, कई लोग भी काफी दिनों से यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या इस बार पंचायत चुनाव में कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य है या नहीं। तो हम आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने बिहार में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है, यानी कि अब प्रत्याशी बगैर कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाए ही चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, जिसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत चुनाव में किसी भी पद पर उम्मीदवारी का दावा करने वालों को चरित्र प्रमाण पत्र देने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि चुनाव लड़ने के लिए चरित्र प्रमाण पत्र देने की बात को लेकर कई दुविधा की स्थिति बनी हुई थी। इसको लेकर कई पंचायतों में प्रत्याशियों की भीड़ भी चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने में लगी हुई थी, लेकिन अब जाकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को चिट्ठी जारी कर यह स्पष्ट कर दिया है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि आयोग ने सभी जिलों को एक चिट्ठी जारी कर यह स्पष्ट किया है कि 11 तरह के मामलों से जुड़े लोगों को चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई है, जिसके तहत देश के अंदर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा राजनीतिक अपराध में या किसी अन्य अपराध के लिए 6 महीने से अधिक अवधि के लिए कारावास का दंड पा चुके हो, किसी कानून के तहत किसी स्थानीय प्राधिकार के सदस्य होने का पात्र ना रह गया हो, पंचायत के तहत वो दैनिक पद या लाभ का पद धारण करता हो, वो व्यक्ति पंचायत के सदस्य का पद खाली होने के अयोग्य होगा, दावेदार भारत का नागरिक नहीं हो, चुनाव संबंधी किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया हो, 21 वर्ष से कम उम्र का हो, विकृत चित्त वाला हो, केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार की सेवा में हो, केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से सहायता प्राप्त करने वाले संस्थान की सेवा में हो, केंद्र या राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकार की सेवा से कदाचार से पदमुक्त कर दिया गया हो, किसी लोक सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, ऐसे लोग पंचायत चुनाव का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, यानी कि साफ तौर पर ये प्रत्याशी के रूप में अपने आप को मैदान में नहीं उतार सकते हैं। हालांकि पंचायत चुनाव को लेकर अभी तक तारीखों की घोषणा नहीं की गई है। ईवीएम को लेकर सारा मामला अटका पड़ा है। हालांकि ईवीएम के मुद्दे पर जल्द ही सुनवाई होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके बाद इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर चुनाव का आयोजन कब और कैसे होगा। हालांकि सभी पंचायतों में चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी है, जिसके तहत चरणबद्ध चुनाव कराने की तैयारी हो रही है। साथ ही इस बार चुनाव में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल भी किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस बार के पंचायत चुनाव के लिए 14 लाख से ज्यादा नए मतदाताओं को भी जोड़ा गया है, जो कि इस बार के पंचायत चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आपके अनुसार कैरेक्टर सर्टिफिकेट की अनिवार्यता खत्म करने का फैसला चुनाव आयोग का सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।